राधे राधे स्टूडेंट्स, आई एम दिव्या पांडे फ्रॉम कैटलिस्ट कोचिंग सेंटर न्यू बस स्टैंड पीरो भोजपुर। पिछली वीडियो में मैं आपको क्लास 11 के मैथ का एक्सरसाइज 1.1 का कुछ थ्योरी लिखवाई थी, जिसमें बताई समुच्चय किसे कहते हैं और इसके रूप और कुछ संकेत भी आपको बताई थी। आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 1.1 सॉल्व करवाने जा रही हूँ, जिसे आप देखे और समझे। देखिए, पहला है यहाँ, निम्नलिखित में कौन से समूह है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो हमें ये देखना है जो ये समूह है या नहीं। तो ये समूह होगा, क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष का महीना जनवरी, जून, जुलाई जो कि परिभाषित है, और इसके बारे में हमें ठीक ठीक पहले से पता है, जानकारी है। तो देखिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह, तो जे अक्षर से प्रारंभ हो रहा है तो सुपरिभाषित वस्तुओं का ये संग्रह है, और सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को ही तो हम समूह कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, यह एक समूह है। देखिए, जो मैं आपको बोली वही यहाँ लिख दी, यह एक समूह है, क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने जनवरी, जून तथा जुलाई है, जो पहले से अच्छी तरह सुपरिभाषित है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो दूसरा क्वेश्चन है इसका, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। देखिए, दूसरा आपका भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ये जो है ये एक समूच नहीं है, क्योंकि ये जो प्रतिभाशाली लेखक हैं, ये किस विषय के हैं, किस राज्य के हैं, किस प्रांत के हैं, इनके बारे में हमें पहले से ठीक ठीक अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं है, और ये सुपरिभाषित नहीं है, और जब ये सुपरिभाषित नहीं है तो ये समूच नहीं हो सकता है। तो चलिए अब इससे लिख देते हैं। देखिए, जो मैं आपको इसके बारे में बोली वही यहाँ लिखती हूँ, यह एक समूह नहीं है, क्योंकि यहाँ यह जानकारी नहीं दी गई है कि प्रतिभाशाली लेखक किस विषय के हैं, अथवा वे किस प्रांत के हैं, उनकी क्या उम्र है इत्यादि। अर्थात भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, और जब सुपरिभाषित ही नहीं है तो क्या यह समूह हो सकता है? नहीं, क्योंकि सुपरिभाषित वस्तुओं का ही संग्रह समूह है। तो चलिए अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ये समूह नहीं है, क्योंकि यहाँ हमें ये थोड़ी पता है जो ये 11 जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं कौन हैं, किस प्रांत के हैं, विश्व में आखिर वे कहाँ से हैं, उनकी उम्र क्या है, इसके बारे में हमें ठीक ठीक पहले से जानकारी प्राप्त नहीं है, और ये सुपरिभाषित नहीं है। तो ये मेरा समूच नहीं है। तो चलिए अब इसको हम लिख देते हैं, यह एक समूच नहीं है। देखिए, आपको जो मैं बोली वही यहाँ लिख दी हूँ, यह एक समूच नहीं है, क्योंकि यहाँ यह जानकारी नहीं दी गई है कि सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज किस प्रांत के हैं, उनकी क्या उम्र है इत्यादि। अर्थात विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, और सुपरिभाषित नहीं है यानी ये एक समूच नहीं है। चलिए अब आगे चौथा नंबर देखते हैं इसका क्या है।
देखिए चार नंबर आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो ये क्या है, तो ये समुच्च है, क्योंकि हमारे कक्षा के बालकों का संग्रह ये समुच्च है क्योंकि हमारे विद्यालय प्रशासन को एक एक बच्चे के बारे में उनके पास सही सही ठीक ठीक रिकॉर्ड होती है, और उनके पास रिकॉर्ड है तो कक्षा के सभी बालकों का संग्रह ये सुपरिभाषित है, और जब ये सुपरिभाषित है तो ये एक समुच्च होगा, तो लिख देंगे यह एक समुच्च है क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको लिख दिया गया है यह एक समुच्च है क्योंकि हमारे विद्यालय प्रशासन के पास एक एक बालक का सही सही रिकॉर्ड होता है जिनमें उनका नाम पता इत्यादि मौजूद होता है, अर्थात हमारी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह सुपरिभाषित है, और जब ये सुपरिभाषित है यानी ये एक समुच्च है। चलिए आगे इसका पांचवा देखते हैं। कह रहा पांच में आपका 100 से कम, पांच में आपका 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो यह समुच्चय है क्योंकि 100 से कम जितने 100 से कम प्राकृत संख्या है यानी जितने भी प्राकृत संख्या है वो सुपरिभाषित है क्योंकि गणित में उनके बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी है, और जो प्राकृत संख्या है तो हम गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, इसीलिए 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह जो है वो सुपरिभाषित होगा और यह एक समुच्चय है, तो हम लिखते हैं यह एक समुच्चय है क्योंकि देखिए यहाँ लिख दिया गया यह एक समुच्चय है क्योंकि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है, अर्थात गणित में प्राकृत संख्याओं का संग्रह सुपरिभाषित है और ये सुपरिभाषित है यानी यह एक समुच्चय है। चलिए अब इसका 6 नंबर देखते हैं क्या है। 6 नंबर लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह यह समुच्चय है क्योंकि लोगों को उनके द्वारा प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों के बारे में ठीक ठीक जानकारी प्राप्त है, पता है जो इनके द्वारा लिखे गए उपन्यास कौन कौन से हैं, किस भाषा में लिखे गए हैं, तो यह और यहाँ प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का जो संग्रह है यह समुच्चय है और ये सुपरिभाषित है, तो चलिए जब सुपरिभाषित है तो ये समुच्चय होगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं यह समुच्चय है क्योंकि देखिए यहाँ पे लिख दिए जो आपको बोले हैं यह एक समुच्चय है क्योंकि प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों के बारे में लोगों को यह जानकारी ठीक ठीक है कि वे उपन्यास कौन कौन से हैं और किस भाषा में है, अथवा प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह सुपरिभाषित है और यह सुपरिभाषित है तो समुच्चय है। चलिए अब आगे इसका 7 नंबर देखते हैं। देखिए 7 नंबर सभी संपूर्णांकों का संग्रह, तो यह समुच्चय है क्योंकि हम जानते हैं कि सभी संपूर्णांक का संग्रह यह समुच्चय है क्योंकि 2 से जितनी भी संख्या विभाजित हो 2 से पूरी तरह संख्या विभाजित होती है वो संपूर्णांक संख्या कहलाती है, और ये सभी ये संपूर्णांक का संग्रह गणित में सुपरिभाषित है इसीलिए यह समुच्चय है। देखिए यहाँ लिख दिए यह एक समुच्चय है क्योंकि जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होती है उन्हें संपूर्णांक कहा जाता है, अर्थात गणित में संपूर्णांकों का संग्रह सुपरिभाषित है और जब ये सुपरिभाषित है तो समुच्चय होगा। चलिए अब इसका 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 8 नंबर इस अध्याय में काम आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो यह समुच्चय है क्योंकि हमें इसके बारे में ठीक ठीक पहले से पता है कि इस अध्याय में कुल कितने प्रश्न है और वो कौन कौन से है और वो किस आधार पे है, किस टॉपिक्स पे है, तो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह ये अच्छी तरह से सुपरिभाषित है इसलिए यह एक समुच्चय है। तो चलिए अब इसी को लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ जो बोली वही यहाँ लिख दिया गया, यह एक समुच्चय है क्योंकि हमें यह बात अच्छी तरह से पता है कि इस अध्याय में कौन कौन से प्रश्न हैं और वे किस टॉपिक से जुड़े हैं, अर्थात इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह सुपरिभाषित है और जब यह सुपरिभाषित हुआ तो यह समुच्चय होगा। चलिए अब इसका आगे 9 नंबर देखते हैं। देखिए 9 नंबर विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो यह समुच्चय नहीं है क्योंकि यहाँ हमें इसके बारे में ठीक ठीक पहले से जानकारी नहीं प्राप्त है कि आखिर ये खतरनाक जानवर किस आधार पे हमें चुनना है, विषैला है
या बिसैला है तो बिसैला होगा तो साफ हो जाएगा, हमला घारी है, शेर है, बाघ है, आखिर ये खतरनाक जानवर कैसा है इसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं है। छिपकली भी तो बिसैली हो सकती है। तो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह यहाँ सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। तो देखिए आज जो बोले हैं वही लिख दिए, यह एक समुच्चय नहीं है क्योंकि हमें यहाँ ठीक से पता नहीं है कि खतरनाक जानवरों का संग्रह किस आधार पर करना है, अर्थात विश्व के सबसे अधिक जानवरों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। अधिक खतरनाक, खतरनाक यहाँ छूट गया है, अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। तो जब सुपरिभाषित नहीं है तो यह समुच्चय नहीं होगा। अब चलिए यही पहला का नॉर्थ क्वेश्चन ही था, अब हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक यानी चिन्ह एलिमेंट ऑफ अथवा डज नॉट एलिमेंट ऑफ भरिए। तो ये जो मेरा है एलिमेंट, ये यूनानी भाषा है और इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, और ये जो है यूनानी भाषा से लिया गया है, लेकिन यहां हम इसको एलिमेंट ऑफ बोलेंगे, इसको एलिमेंट ऑफ और इसको डज नॉट एलिमेंट ऑफ बोलेंगे, डज नॉट एलिमेंट। देखिए वही यहाँ कह रहा है मेरा पहला में 5.A, क्या 5A में मौजूद है? अगर 5A में मौजूद है तो हमें एलिमेंट ऑफ भरना है, और नहीं मौजूद है तो डज नॉट एलिमेंट ऑफ। देखिए यहाँ एक बात याद रखिएगा, एलिमेंट जो है ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है एलिमेंट ऑफ का अव्यव है, और ये जो डज नॉट एलिमेंट ऑफ ये है इसका शाब्दिक अर्थ होता है अव्यव नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ 5.A, तो यहाँ देखना है जो 5 अव्यव जो है वो क्या ए में मौजूद है, तो हाँ ये ए में मौजूद है क्योंकि देखिए 1, 2 ए में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है और ये है तो का अव्यव है, तो यहाँ हम क्या भर देंगे एलिमेंट ऑफ, यहाँ भर देंगे एलिमेंट ऑफ। अब देखिए 2 में 8 क्या ए में मौजूद है, ए है मेरा 6 तक ही, तो इसमें 8 कहां से मौजूद है, नहीं है तो लिख देंगे डज नॉट एलिमेंट ऑफ यानी अव्यव नहीं है। तीसरा देखिए तो 0.A, क्या ए में 0 मौजूद है, ए में कहीं भी 0 नहीं है तो लिख देंगे डज नॉट एलिमेंट ऑफ। अब 4 नंबर देखिए, 4 में है 4.A, क्या ए में 4 मौजूद है, तो हाँ ए में मेरा 4 मौजूद है तो लिख देंगे एलिमेंट ऑफ। अब 5 देखिए 2.A, क्या 5 क्या 2A में मौजूद है, तो हाँ 2A में मौजूद है तो लिख देंगे 2 एलिमेंट ऑफ A। अब देखिए 6 नंबर 10.A, क्या A में 10 मौजूद है, तो यहाँ तो A में 6 तक ही मौजूद है तो लिख देंगे डज नॉट एलिमेंट ऑफ। यही आपका 2 नंबर क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो गया। बस आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में इस अगले क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।